गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस भाग में करंट अफेयर्स 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण इश्यूज या तथ्यों को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे UPPCS का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश RO AR O अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कोई भी एग्जाम अथवा अदर स्टेट सिविल सर्विसेज UPSC सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। तो इस समसामयिक घटना चक्र 2021 से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हम लोग इन महत्वपूर्ण मुद्दों में या तथ्य में पहला है, नंबर एक है भारत का पहला स्मॉग टावर। तो इंडिया का फर्स्ट यानी भारत का पहला स्मॉग टावर। तो पहले तो यह जान लिया जाए हम लोग कि यह स्मॉग टावर है क्या। तो यह पर्यावरण प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार द्वारा ही नहीं, यानी नेशनल स्तर पर ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर भी पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इस पर कई बार सम्मेलन भी बुलाए जाते हैं, विश्व के देशों द्वारा काफ़ी चिंता व्यक्त की जाती है। और इसका परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, इसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का एक भाग है। ओके, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भारत के महत्वपूर्ण जो महानगर हैं, शहर हैं, जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ, कल कारखाने अधिक हैं या मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक है, जहाँ पर फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में उनके द्वारा जो धुएं निकलते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, तो ये गैसें निकलती है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है। ओके, तो हम लोगों का यानी भारत का जो राजधानी है, इंडिया की जो राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर पहला स्मॉग टावर इस्टेब्लिश किया जा रहा है यानी लगाया जा रहा है। ओके, और यह टावर क्या करेगा कि जो महानगर यानी दिल्ली महानगर या हम लोगों की जो कैपिटल है देश की दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकना है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला स्मॉग टावर तो कहाँ लगाया गया, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास लगाया गया है। और यह अगस्त 2021 में यह टावर लगाया गया है, पहला स्मॉग टावर वह यहाँ पर लगाया गया है। यह टावर 24 मीटर ऊंचा है। ओके, तो यह टावर 24 मीटर ऊंचा है और यह स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषित वायु को अवशोषित कर फिल्टर करेगा। ओके, तो यह स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषित वायु को अवशोषित कर फिल्टर करेगा, यानी 1 किलोमीटर की परिधि में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगी यानी वायु में घुली रहेगी उसे अवशोषित कर लेगा। और उसे अवशोषित करने के बाद ऑक्सीजन यानी जो वायुमंडल है वह शुद्ध हो जाएगा या हवा शुद्ध हो जाएगी, यानी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहेगी उसको यह अवशोषित कर लेगा इस टावर द्वारा, या यह जो स्मॉग टावर है यह अवशोषित कर लेगा और फिर वायु पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी जो मानव के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया, दिल्ली शहर में लगाया गया, यानी दिल्ली में लगाया गया, कनॉट प्लेस के पास लगाया गया है और यह अगस्त में इस टावर को स्थापित किया गया है। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पर, हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर। तो भारत का यानी इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सा शहर बना,
तो इंदौर बना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप लोगों के एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि वाटर प्लस शहर किसको बनाया गया, या पहला वाटर प्लस शहर कौन बना, इंदौर बना। ओके, इंदौर शहर को यह प्रमाण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि इंदौर जो स्वच्छता सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का नंबर एक शहर यानी प्रथम स्थान पर इंदौर है। ओके, स्वच्छता में तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वच्छता में इंदौर है, और वाटर प्लस शहर की सूची में भी इसे प्रथम स्थान मिला है। तो यह प्रमाण केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और यह प्रमाण किस क्षेत्र में, एरिया में वर्क करने के लिए दिया जाता है, तो यह हम लोग देख लेते हैं कि यह प्रमाण नदियों और नालों में स्वच्छता, नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। नदी और नालों को सफाई के लिए या साफ या स्वच्छ रखने के लिए यह प्रदान किया जाता है, या वाटर प्लस शहर की जो सूची या श्रेणी प्रदान की जाती है। तो शहरों के जो सीवेज होते हैं, इन गंदे और शहरों से निकले हुए जो गंदे जल होते हैं या पानी होते हैं, उनको पुनः नदियों में सीधे न जा करके रिसाइकिल के द्वारा पुनः उनसे जो अपवर्ज पदार्थ होते हैं उसका फिल्टर किया जाता है, इसके बाद जल को फिर नदियों में छोड़ा जाता है। इस प्रकार जल को रीयूज, ऐसे आप कह लीजिए कि रीयूज के लायक तैयार किया जाता है। तो इस रूप में इंदौर शहर का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, कि यहाँ से यह नदियों को की स्वच्छता और नालों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, और शहरों के जो गंदे पानी है या सीवेज है उसको डायरेक्ट नदियों में नहीं छोड़ा जाता है, अपितु रिसाइकिल के पश्चात छोड़ा जाता है। ओके, और फिर उस वाटर को भी रीयूज के योग्य बनाने पर बल दिया जा रहा है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना है। ओके, यह इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले तथ्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है, फैक्ट्स है, यह है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहां पर बनाया गया है? तो यह पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव में बनाया गया है। तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत का यानी देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मांडा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, और यह मांडा गांव ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यह है कि यह मांडा गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है, यानी चीन की सीमा से यह मांडा गांव लगा है, यानी भारत का यह अंतिम गांव है या विलेज है जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। और यह पार्क 3 acres यानी 3 acres में यह पार्क विकसित किया गया है। तो यह हर्बल पार्क 3 acres में बनाया गया है, और इस हर्बल पार्क में आयुर्वेद, जड़ी बूटियां इत्यादि दवाओं से संबंधित सभी इसमें वृक्ष, झाड़ियां इत्यादि लगाई गई हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क। ठीक है, तो यह उत्तराखंड के चमोली मांडा, उत्तराखंड के चमोली जिले और माड़ा गांव में यह हर्बल पार्क लगाया गया है या स्थापित किया गया है। ओके, और यहाँ पर इस हर्बल पार्क में आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों से संबंधित वृक्षों को संरक्षित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है राजा मिर्चा यानी किंग चिली। ओके, राजा मिर्चा अथवा किंग चिली क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं।
तो यह नागालैंड के किंग चिली को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो यह राजा मिर्चा या किंग चिली किस राज्य में विशेषकर पैदा होता है, तो उत्पादन होता है इसका तो नागालैंड में। ध्यान रखना है यह किंग चिली नागालैंड में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट है। और राजा मिर्च शिमला मिर्च की प्रजाति है, तो यह शिमला मिर्च की एक प्रजाति है, यानी किंग चिली शिमला मिर्च की एक प्रजाति है और यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की श्रेणी में आता है। तो यह जो किंग चिली है यह विश्व की यानी दुनिया के सबसे तीखी मिर्च की श्रेणी में आता है या श्रेणी में है, ओके, और विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसे जीआई टैग मिला है यानी किंग चिली को, और नागालैंड राज्य में यह विशेष रूप में उत्पादित किया जाता है, उत्पादन सबसे अधिक इसका किया जाता है और विश्व यानी दुनिया का सबसे तीखी मिर्च की श्रेणी में इसे स्थान प्राप्त है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर इसी तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, और आप लोग हमारा चैनल Exam 21 सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जो यह वीडियो है या क्लास है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और ध्यान रखिएगा हमारे चैनल पर आप लोगों को यूपी स्पेशल के सारे पार्ट्स कंप्लीट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित और आप लोगों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इस पर उपलब्ध है, अच्छे से इसको देखिएगा। और इसी तरह हम देते भी रहेंगे, और कोई पार्ट अथवा भाग न मिले तो आप 7618025304 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जान सकते हैं उसका आंसर, और फिर आप लोगों को जल्द ही ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हो जाएगा हिस्ट्री के सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक या कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।